आ जाओ जल्दी। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत में, जहाँ पर हम जेई नीट लेवल की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स फॉर जेई एंड नीट के लिए बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। हाँ, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जबकि इसको आप लेक्चर नंबर 2 में गिने तो भी बढ़िया है, बिकॉज इसमें हम पिछले सारे लेक्चर्स के कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे। पहले 10 मिनट हम प्रॉपर उस रिविजन को देंगे, है ना? ठीक है। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने जो मेन चीजें थी ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कंडक्शन था, तो कंडक्शन वॉज सिंपल। कंडक्शन में क्या था देखो, हाँ अभी, हाँ रिविजन के बाद हाँ, अरे 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 रिविजन के बाद बातें करेंगे ना। रिविजन, हाँ मेरे को पता है, समझ में नहीं आया होगा, मतलब वो थोड़ा रिकॉर्डर में था और प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा था, है ना, तो इसलिए। हाँ, तो कंडक्शन में क्या है देखो, ये है आपकी एक बॉडी, ये है आपकी दूसरी बॉडी, इन दोनों को आप टच करवा रहे हो। जैसे मैंने क्या कहा, ये आपका एक मार्कर, ये आपका दूसरा मार्कर, मान लो ये चार्ज है, मान लो इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर क्यू वन, इसके ऊपर क्यू टू, मैंने टच करवाया। अब इसको हम पूरा एक बॉडी देखेंगे, अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना, क्यू वन प्लस क्यू टू, सेपरेट किया तो दोनों का हाफ, K1 plus K2 का हाफ इस साइड, K1 plus K2 का हाफ इस साइड। ये तो वही हो गया। देखो छोटे होते क्या होता था ना, जो बड़ा भाई होता था वो थोड़ा चतुर होता था, मैं छोटा भाई हूँ, मैं थोड़ा भोला होता था। अब कहीं भोला नहीं मूर्ख तो वो भी कह सकते हैं। बड़ा भाई क्या करता था, अपनी चॉकलेट्स खानी। तो जब मान लो जो डब्बा आता था शादी वगैरह पे, शादी पे तो नहीं, जो रक्षाबंधन पे मिलता था, उसमें कहता था 5 चॉकलेट्स, 10 चॉकलेट्स, 8 चॉकलेट होती थी, वो कहता था 4 मेरी 4 तेरी, भाई मान गया। फिर अपनी उसने 2 खा ली, है ना, मेरी अभी भी 4 बची हैं। छोटे वाले को पता नहीं क्या चुल होती है कि दूसरे को दिखा के खाना है, पता नहीं क्या है ना। तो मेरी अभी भी 4 बची, उसकी 2 बची हैं, ठीक है। मैंने अपनी 4 डाल दी, उसने अपनी 2 डाल दी, उसने मेरे को कुछ ना कुछ कह के कन्विंस कर लिया, ये लालच में डाल के कि हाँ मतलब दोनों में मिक्स कर ले तो 6 हो जाएंगे, देख ले 6 चॉकलेट तेरी, ठीक है, अगर दोनों मिक्स कर ले तो 6 मेरी 6 तेरी, मतलब 6 हो गए ना, 6 तेरी तो है वो, ऐसे क्या के कन्विंस कर लेता था। फिर जब मैंने मान ला कि मेरे से कुछ, जब मैंने उससे झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर ली, वापस मांगी अपने चॉकलेट, था दे मेरी 3 4 चॉकलेट्स, 4 चॉकलेट थे, तो कहता कैसे 4 कौन सी चॉकलेट्स, टोटल 6 है तो आधा आधा होगा ना, 3 यहाँ 3 वहाँ। फिर मेरे को लगता था झटका, ये क्या कर डाला मैंने, 4 से 3 तक पहुँचा दिया खुद को। देखो तो यही चीज़ होती है, यही चीज़ होती है, ठीक है, मैंने 4 से 3 तक ले आया अपने आप को। तो यही चीज होती है करंट के मामले में, कि अगर एक के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू वन, दूसरे के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू टू, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आए, और कॉन्टैक्ट में लेके आने के बाद अलग अलग कर दिया, तो अब जो अलग करेंगे उसके बाद जो इसके ऊपर चार्ज आएगा, दैट विल बी दोनों का सम बाय 2, इसके ऊपर भी दोनों का सम बाय 2। क्या यहाँ तक कुछ अब दिक्कत तो नहीं है ना, सही है ना? नाउ इट इज क्लियर, इस एग्जाम्पल के बाद ये क्लियर है क्या, बढ़िया ना, मतलब सही है। चलिए, ये हमने देखा कंडक्शन में, फिर हमने पढ़ा था इंडक्शन। इंडक्शन में कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है, पर इसमें अभी अभी के लिए आपको ना यार याद ही करना पड़ेगा, फॉर दिस टाइमिंग आई एम सेइंग टू यू, अभी के लिए याद कर लो। जब चैप्टर नंबर 2 आएगा उसमें कैपेसिटेंस वगैरह पढ़ोगे, है ना, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज इसमें थिंग के बारे में पढ़ते हो आप डिटेल में, है ना। ये मैंने इंडक्शन में क्या कहा कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, लेट से, है ना, न्यूट्रल बॉडी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रल बॉडी है। इसके पास में अलग से लेके आया क्या, नेगेटिव बॉडी, लेट से आई ब्रॉट अ नेगेटिव बॉडी टुवर्ड्स इट, ये इंसुलेटिंग पैड है, मतलब यहाँ पे इंसुलेटर लगा है नीचे, नेगेटिव बॉडी लेके आया हूँ, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये उस साइड भाग जाएंगे, माइनस 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 माइनस, और पॉजिटिव तो हिलते नहीं है, तो वो यहीं पे रहेंगे क्या, है ना, मतलब ये तो यहीं पे रहेंगे। अब देखो पोल बन गया, एक पोल इस साइड, ये देखो पोल ही तो है, पॉजिटिव नेगेटिव का पोल बन गया, देखो इसको भी मैं उस साइड लगा देता हूं, ठीक है, बन गया पोल, बन गया। अब यहां पे पोलैरिटी आई है, पोलैरिटी इज देयर बट इंडक्शन इज नॉट देयर, अभी इंडक्शन थोड़ी हुआ, चार्ज थोड़ी आया, अभी भी चार्ज नेट तो देखो 0 ही है, नेट चार्ज तो अभी भी इसमें न्यूट्रल ही है ना, ठीक है। अब जब मैंने इसको हटाया है, कैसे हटाया, आई अर्थ द बॉडी, इसकी मैंने अर्थिंग कर दी, इसकी मैंने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग करने से आपको एक बात याद रखनी है, अगर ये बॉडी जिस जो आप लेके आए हो पास में वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेट चार्ज पॉजिटिव बचेगा, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अर्थ के अंदर चले जाएंगे और चार्ज की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ ये है ऐसे, अभी अब फिलहाल के लिए याद रखो, चैप्टर 2 में आपको और क्लियर हो जाएगा, ऐसे है ना,
पॉजिटिव नेगेटिव ये है। इस बार मैं क्या लेके आया, पॉजिटिव बॉडी लेके आया हूँ इसके पास, है ना। मतलब पॉजिटिव इस साइड थोड़ी, पॉजिटिव उस साइड से आ जाएंगे सारे और नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे। तो ये मैंने नेगेटिव सारे इस साइड ले आया और पॉजिटिव सारे इस साइड ले, सही बात। इसको मैंने क्या किया, अर्थ कर दिया। अब अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर, अरे सॉरी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या है गधे कहीं के, पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है, कुछ मैसेज आए, देखो मैसेज कुछ आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा ना, कोई बात नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, मैसेज कुछ आ नहीं रहा, ऐसे ही टुन नुन नुन बज रहा है, कहीं इस फोन पे तो नहीं है जिससे मैं बना रहा हूँ, नहीं इस पे भी नहीं है यार। चलो कोई नहीं, जैसा हम कर रहे थे वैसे पे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कहाँ थे यार, हाँ, तो अब की बार इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, अब की बार इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, बिकॉज अब उसको पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव बॉडी लेके आए तो ये वाली बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव बॉडी लेके आए तो ये वाली बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज। फिलहाल के लिए आपको ये याद रख लेना है। अब इसके अंदर कौन सा जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे और चार्ज की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्या आपको ये क्लियर है, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, इसको आप जल्दी से जल्द नोट कर लें, इसको आप जल्द से जल्द नोट कर लें, है ना, इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, note it down very fast, be quick, why are you not noting it down, जल्दी से इसको नोट करो ताकि हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ें, है ना। पानी की बोतल निकाले लो, कहाँ गई, हाँ जल्दी अब इसको करो नोट, तब तक मैं आगे बताता हूँ। सही है, चलो अब हम आते हैं किस चीज पे, कूलम्स फोर्स पे, वो भी हमने पिछली क्लास में शुरू तो कर लिया था, बट आपको मेरे ख्याल से कोई इतना अच्छे से समझ आया नहीं होगा, बिकॉज हमने शुरू ही किया था सिर्फ, है ना, तो उसको भी हम दोबारा से करेंगे। कूलम्स फोर्स मतलब, अगर आपने पिछली क्लास देखी है, नहीं देखी देख तो लो, फिर भी बिकॉज थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या हुआ क्लास में। कूलम्स लॉ। अब आप अपनी बातें रख सकते हैं, आपको क्या कहना है जल्दी से कहिए, क्या कहना है, तब तक मैं एक मिनट एसी को चालू करके आता हूँ, एसी को चालू करके आता हूँ, जल्दी कहिए आपको क्या कहना है, जल्दी कहिए। हाँ सही है, सही, सब बढ़िया है ना। देखो भाई, हाँ चलिए, हाँ एक लिख रहा है, अभी भी समझ नहीं आया। देखो इसमें समझने का कुछ नहीं है, आपको बस इसमें फिलहाल के लिए रट्टा ही मारना है, ठीक है, फिलहाल के लिए रट्टा मारना है, अगले चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, कुछ बच्चे होंगे जो रट्टा मार लेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो नहीं मारेंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो मार लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये है जिंदगी का नाम। हाँ अब कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट्स अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, सही है, ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। इस लॉ से क्या पता चलता है कि जो फोर्स है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मैंने कहा, ये है आपका Q1, ये है आपका Q2, ये उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, लेट्स से R, तो ये आपके पास इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इन दोनों को अगर हम क्लब करके लिखें, दैट विल बी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। अब इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना चाहिए। हाँ ये, अब अगर हम इसको हटाएं प्रोपोर्शनैलिटी को, एक कांस्टेंट आएगा K, अब इस K की वैल्यू फिक्स नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती,
ठीक है, ये आपने कुछ ऐसा ही आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, इन दोनों को प्लग करके F is equal to g m1 m2 by r square, है ना? तो ये आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, जिसमें आपका g कैपिटल g फिक्स होता है, जिसमें k is not fixed, k is not fixed, k की वैल्यू क्या होती है? 1 by 4 pi epsilon naught, यहाँ तक आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक मिनट, अरे यार क्या हो रहा है, खारिश हो रही, तो कोल्ड भी हो रखा है फिर भी इसी चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है, नहीं कतई नहीं, हम तो भाई गरीब से आते हैं, आपको दिखता होगा कभी कभी यहाँ से पपड़ी निकली हुई है, पेंट निकला हुआ है, ये छोटा सा बोर्ड है बस, है ना, परंतु पंखे से आवाज आएगी इसलिए हम इसी चला के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलो वैसे तो आवाज पीछे से काफी आ रही होगी, है ना, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात करेंगे। चलिए, एप्सिलॉन क्या होता है? कूलम्स लॉ में एप्सिलॉन इज, इसको पहले देखो, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज एप्सिलॉन, इसको हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। दैट मींस ये होता क्या है? इट इज द परमिशन बाय अ मीडियम विच अलाउज इटसेल्फ, मतलब मीडियम की ही खुद की ही परमिशन है, विच अलाउज इटसेल्फ टू रिड्यूस द फोर्स, टू चार्ज पार्टिकल्स, मतलब कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको हमने किसी मीडियम में डाल दिया, उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो ये है, तो उसमें हम फॉर्मूला क्या बना देंगे, उसमें हम फॉर्मूला बना देंगे F is equal to K की जगह 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square, because उस मीडियम की कितनी परमिटिविटी है वो हम नीचे लिखते हैं, सही है? तो परमिटिविटी की डेफिनेशन जल्दी से नोट कर लो, क्या है? इट इज द परमिशन जो एक मीडियम उसके चार्जेस को दे रहा है ताकि वो फोर्स को कम कर सके, सही बात है? हाँ, तो इसको जल्दी से आप नोट करो, नोट इट डाउन वेरी फास्ट। हाँ, अब एप्सिलॉन नॉट के बारे में देखो कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। It is permittivity of free space. Free space की permittivity, जैसे air में कितनी permittivity है, उसको हम बोल देते हैं epsilon naught. ठीक है, air की यानी free space की permittivity को हम क्या बोल देंगे? Epsilon naught. जल्दी इसको note करो. Epsilon naught. एक लिख रहा है क्या? ऊपर करो इसको थोड़ा. और यार बस करो यार, इतना रोला क्यों डाला हुआ है? चुप हो गए, फिर बोल पड़े। इनको बोलने से कोई हटा नहीं सकता वैसे, है ना? क्या कर सकते हैं? हाँ, एक कुछ लिख रहा था, जल्दी बोलो, हैं? बोलो, जल्दी इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट कर लो, है ना? तो एप्सिलॉन क्या है कि वो मीडियम उसके चार्जेस को कितनी परमिशन दे रहा है कि उनके अंदर फोर्स कम हो जाए, ठीक है? मतलब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, पहले इसको नोट करो, है ना? अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, दो चार्जेस थे, लेट्स से प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उनको अगर मैंने एयर में लिया तो उनके बीच का फोर्स है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी फ्री स्पेस यानी एयर, क्यू वन यानी क्यू स्क्वायर, है ना? बिकॉज दोनों का साइन है ना, क्यू स्क्वायर नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव का मतलब है सिर्फ अट्रैक्शन दिखाता है नेगेटिव, ठीक है? क्या उसके बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस इज लेट्स से आर, है ना? तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फोर्स। बट इफ आई टॉक अबाउट सेम चार्जेस एट सेम डिस्टेंस इन वाटर, तो क्या होगा? देन द फोर्स विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ वाटर, है ना? मीडियम क्या है इस बार? वाटर है, इनटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इफ यू टेक द, यहां पे आप लिख लो फोर्स न्यू, है ना? तो F by F nu की अगर मैं बात करूं, that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught upon 1 by 4 pi epsilon
वाटर इनटू क्या उसे यार बस करो यार के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कोई इज्जत ही नहीं है देखो ये हम हटा देंगे 1/4 पाई 1/4 पाई भी कैंसिल तो 1/ε0 / 1/ε0 यानी कि 1/ε0 × (εε0) ऑफ वाटर f/f(ν) तो f/f(ν) दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ वाटर अपॉन εε0 है ना एंड इफ यू सी दिस तो इसको हम और कैसे कह सकते हैं ये जो नया फोर्स अच्छा न्यू फोर्स निकाल लियो पहले है ना एफ न्यू विल बी इक्वल टू ओल्ड फोर्स मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन वाटर ठीक है मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन वाटर इसको जल्दी से नोट कर लो पहले तो इतने को जल्दी नोट करो पहले है ना εε0 / εε0 एंड εε0 / εε0 है ना यहाँ पे आप हेडिंग लगाओगे के जो कि क्या है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट थोड़ा अच्छे से समझते जाइएगा इसको पूरे को बुनता जा रहा हूँ मैं अभी मैंने क्या निकाला एफ बाई एफ न्यू के रिलेशन ठीक है एफ न्यू की रिलेशन तो एफ न्यू क्या आ गया ये अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ एफ न्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकता हूँ क्या बिकॉज अगर ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर एप्सिलॉन एफ नीचे वही तो लिखा ऊपर भी है ना तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ है ना और इस वैल्यू को हम क्या कह देते हैं के एफ न्यू विल बी इक्वल टू एफ बाय के वेयर के इज अ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर ठीक है मतलब डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इससे हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की क्या कह सकते हैं इसके बारे में इट इज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ εε0 उसको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते थे इट इज रिलेटिव परमिटिविटी है ना मतलब मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस की परमिटिविटी ऐसे भी हम डेंसिटी पढ़ते थे किसी भी चीज की रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे पढ़ते हैं उस मीडियम की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी तो इसमें भी वही इसको जल्दी से आप नोट कर लो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा अभी है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आई विल बी गिविंग टू यू नाउ हां देखो जल्दी कर भाई इसको है ना क्विकली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट हाँ एक लिखा है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हाँ वो भी बताऊंगा भाई शांत रहो है ना शांत रहो थोड़ा सा शांति बनाए रखो भाई शांति बताए रखो बनाए रखो हाँ यहाँ पे आप एक नोट डालोगे नोट NOTE नोट जो कि कितने का है 2000 रुपये इसका जो कि बैन हो गया है ना बैन नहीं मतलब उसका एक्सचेंज रुक गया है 2000 रुपये का नोट है के फॉर अ कंडक्टर इज इनफाइनाइट कंडक्टर का जो डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है दैट इज इनफाइनाइट ठीक है ये आपको नोट में डालना है अब इसका रीजन इन नेक्स्ट चैप्टर अगले चैप्टर में इसका रीजन आता है वो आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है इसको जल्दी से नोट करो तब तक मैं आपको एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता ही देता हूँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बता देता हूँ पहले इसको नोट कर लो यार इट इज दीदी यार इनको पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा था कि कोई बंदा मतलब काम भी कर सकता है कुछ है ना फॉर्मूला में क्या होता है एफ इज इक्वल टू 1/4 πε0 Q² / r² ऐसा होता है अब देखो क्यू स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ कूलम स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर फोर्स की जगह न्यूटन ताकि हम एप्सिलॉन की यूनिट निकाल सके एप्सिलॉन को ले जाओ उस साइड न्यूटन आ जाएगा नीचे तो न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर है ना तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आएगी है ना न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर है ना इसको आप कूलम स्क्वायर है ना सिंपल हाँ इसको जल्दी से नोट करो अब इसका डायमेंशन भी हम लिखेंगे देखो डायमेंशन के बारे में मैंने आपको क्या बोला था कि डायमेंशन में सिर्फ फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं है ना इसका डायमेंशन देखो डायमेंशन न्यूटन फोर्स होता है तो (mL)(2)-1 मीटर लेंथ है तो -2 है ना एंड कूलम्ब 80 है ना बिकॉज क्या है करंट है क्या चार्ज था तो चार्ज के लिए हम 80 ही यूज करते हैं है ना
मिति का स्क्वायर. इफ यू जस्ट कैलकुलेट इट आउट, m माइनस वन, l माइनस वन, t माइनस थ्री, सॉरी t प्लस टू है ना, l माइनस टू, a टू, t टू है ना. इफ यू जस्ट कैलकुलेट इट, इट विल बी m माइनस वन, l माइनस थ्री, t माइनस t प्लस फोर एंड a टू. तो दिस इज दी, कौन से फॉर्म में आ रहा है भाई, कितने फोन रखे हैं यहाँ पे, तो है ही नहीं मेरे, तो टूटा हुआ फोन. इसमें आया क्या दोबारा से, कोई नोटिफिकेशन आ ही नहीं थी, ऐसे ही पता नहीं क्या हो रहा है इसको, बेहोशी के इंजेक्शन देने पड़ेंगे, मतलब नोटिफिकेशंस बंद करनी पड़ेंगी, बाद में करेंगे. भाई इसको नोट करो जल्दी से, इसको जल्दी से जल्दी नोट करो, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लो, जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो है ना, जल्दी इसको नोट करो ताकि हम आगे बढ़ सकें है ना. तो अगर हम बात करें के की, ये वाले के की, नॉट परमिटिविटी वाला, वो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के, जिसकी वैल्यू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट बट एप्सिलॉन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है. तो के की वैल्यू कितनी आ गई फॉर एयर, 10 टू द 9 इनटू 10 टू द पावर 9, ये कैलकुलेट करके आ गई. तो आप इसको याद ही रख लो, के की वैल्यू नहीं, आप के फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है कि वो वाला, वही वाला आप अलग से कर लो है ना, अलग से लिख लो उसको, जल्दी इसको नोट करो, जल्दी इसको नोट करो, जल्दी इसको नोट कर लो. हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे, क्वेश्चंस भी हम करेंगे, हाँ क्वेश्चंस भी हम करेंगे. एंड आपको पता होना चाहिए दैट द के इज ग्रेटर देन वन, ओके, सो के इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, दिस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, बिकॉज अगर ये ग्रेटर देन वन ना होके इसको हम अगर मान ले कि नॉट ग्रेटर देन वन है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर रही है बार बार मेरी बहन आके हैं, के इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होगी, तो किसी भी अगर हम उसमें डालेंगे ना, तो डिवाइड बाय के हो रहा है, मतलब फोर्स कम होता जाएगा, फोर्स कम होता जाएगा, बिकॉज के की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो फोर्स विल बी लेस देन इनिशियल फोर्स, लेस देन इनिशियल फोर्स, लेस देन इनिशियल फोर्स, ठीक है, जल्दी से इसको आप कर लें. हाँ देखो, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे कंडक्टर के बारे में, अरे यार नहीं बताना वो इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में है वो, क्यों बताऊं मैं, है जल्दी से इसको नोट करो, नोट इट डाउन वेरी फास्ट, फिर आपको कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड है ना. चलिए अगर हम देखें, इफ आई टॉक अबाउट एफ और एफ न्यू है ना, उनकी कुछ रिलेशंस देख लो आप है ना, एफ एंड एफ न्यू के रिलेशंस देखिए. देखो एफ न्यू क्या है, एफ ओल्ड बाय के, ये आपको सबको पता चल गया है ना. एंड इफ आई जस्ट यू नो एफ न्यू क्या है, एक मिनट, हाँ ये है, मान आप ओल्ड को लिख लो एफ ओ है ना, और एफ इज एफ न्यू, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एफ ओ बाय के है ना, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट बाय के, ये सबको पता चल गया. अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ नॉट माइनस एफ, तो आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, बस एफ नॉट से माइनस कर दो, राइट, ये आ जाएगा, सही है. अच्छा इसको आप और कैसे लिख सकते हो है ना, एफ नॉट माइनस एफ नॉट बाय के, दिस विल बी एफ नॉट कॉमन ले लो, एफ नॉट कॉमन आ जाएगा, तो दैट विल बी 1 माइनस 1 बाय के है ना, 1 माइनस 1 बाय के, ये आ गया, क्या ये क्या है, एफ नॉट माइनस एफ, विच इज लोअरिंग, या विच इज डेल्टा एफ, विच इज डेल्टा एफ, चेंज कितना हुआ फोर्स में आफ्टर द एडिशन ऑफ दैट फोर्स इनटू द वाटर या कोई भी और मीडियम है ना, चेंज विल बी एफ नॉट टाइम्स ओरिजिनल फोर्स टाइम्स 1 माइनस 1 बाय के. और अगर हम इसकी बात करें, या इसको भी अगर हम नीचे ले आए है ना, तो 1 माइनस 1 बाय के विल बी इक्वल टू एफ माइनस एफ नॉट माइनस एफ बाय एफ, विच वी कॉल एज फ्रैक्शनल चेंज. अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा हो चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो दैट विल बी इक्वल टू परसेंट चेंज, ठीक है, परसेंट चेंज. तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, जस्ट नोट इट डाउन वेरी फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं है ना. तो आपको क्वेश्चंस के लिए जो मेन मेन चीजें याद रखनी है, वो मैंने आपको सारी बता दी हैं, मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है. इट इज दी
फ्रैक्शनल चेंज और नीचे है परसेंट चेंज. जल्दी से इसको आप नोट करो और फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिलेटेड टू दिस फोर्स. ठीक है, हाँ चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस फोर्स से रिलेटेड. देखो यहाँ पे नोट, कितने का नोट है, पूरा 500 रुपए का नोट है. इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स. ये एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब इट एक्ट्स ऑन फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, क्वेश्चन ऐसा करेंगे अगले क्लास में आपके खर्च पाएंगे हम, बिकॉज अभी आपको इसका वेक्टर फॉर्म भी बताना है. दिस इज, या इससे आ रही है आवाज, पर यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, अब आया है, पता नहीं क्या क्या नोटिफिकेशन आते रहते हैं भाई, बच के रहना पड़ेगा, डिलीट करो इसको. हाँ तो इट इज अ सेंट्रल फोर्स, यानी कि जो एक्ट करेगा लाइन जॉइनिंग दी चार्जेस को एक्ट करेगा. सेंटर जैसे ये सेंटर है, ये सेंटर है, इन दोनों की लाइन को जॉइन करके इसी जो इसी लाइन पे फोर्स लगेगा, जैसे एफ इसी लाइन के दूर लगेगा, इसी लाइन के ऐसे लगेगा. मतलब ये समझ चुके हो आपने अगर ग्रेविटेशन पढ़ा तो उसमें भी आपको पता होगा, इसी लाइन के फोर्स, इस सेंट्रल लाइन के ऊपर ही फोर्स लगता है. इसी सेंट्रल लाइन के ऊपर अगर इस साइड है तो इसी सेंट्रल लाइन के ऊपर इस साइड, इस साइड है तो इसी सेंट्रल लाइन के ऊपर इस साइड. ठीक है. सेकेंड, दिस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम, ऑफ मीडियम, मीडियम पे डिपेंड है. एफ मीडियम अपॉन, वो आपने अभी देखा तो है कि एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, मतलब वो आपने देखा एफ न्यू अपॉन एफ ओल्ड. ये आपको पता है दैट एफ न्यू इज इक्वल टू एफ ओल्ड बाय के, है ना, इस तरह से, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और आपको पता होना चाहिए फॉर वाटर इट इज 82. ठीक है. थर्ड, आपको और क्या बताना चाहिए, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स. और आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सेम ही वर्क डन होगा, फिर चाहे आप इसको ऐसे वाले पाथ पे लेके जाओ या सीधा स्ट्रेट वाले पाथ पे लेके जाओ, इट विल बी कंजर्वेटिव. ठीक है. फोर्थ, हाँ, एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा. मतलब अगर मान लो ये है एक बॉडी, इसके ऊपर फोर्स ये है दूसरी बॉडी, है ना, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसके सेंटर की लाइन को ज्वाइन करते हुए इसके ऊपर एक फोर्स आएगा F, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स F आएगा, दोनों के ऊपर सेम फोर्स आएगा. ठीक है, सही है. तो इसको आप जल्दी से नोट करो, इन सब पॉइंट्स को आप जल्दी नोट करें ताकि हम बढ़े वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ पे हम चलते हैं फिर. ठीक है, जल्दी इसको नोट करो, है ना, फिर हम वेक्टर फॉर्म पे चलते हैं. और कल का लेक्चर पूरा ही क्वेश्चंस से भरा होगा, कल का लेक्चर पूरा ही क्वेश्चंस से भरा होगा. हाँ, इसको आपने नोट कर लिया क्या, जल्दी से बताइए. एक आधा क्वेश्चन देखो हम आज भी कर लेंगे, आज आपके इतने क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे बिकॉज 45 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें क्या क्या कर लोगे यार, है ना, इसीलिए हम थोड़ी सी स्पीड अब अपनी तेज कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि हमें पेपर इसी साल देना है. अब आपकी रिवीजन लेक्चर्स भी आएंगे क्लास 11 के बीच में इंटीग्रेट होके, है ना, संडेज को आ गए, है ना, कुछ ही किसी दिन आ जाएंगे, मंडे को आ गए, जैसे कोई एक दिन रख लेंगे हफ्ते में, मोस्ट प्रोबेबली मंडे होगा बिकॉज मुझे वो रिकॉर्डेड करना है, तो वो सैटरडे संडे को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, है ना, सही बात है. चलिए अब आगे देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेक्टर फॉर्म किसकी, न्यूटन्स फोर्स या कूलम्स लॉ, न्यूटन्स थोड़ी, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में हमने क्या किया, जैसे मान लो ये है एक्स एक्सिस, सॉरी ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, है ना, ये है क्यू वन, ये है क्यू टू, क्यू वन क्यू टू, दिस इज एट आर वन, दिस इज एट आर टू डिस्टेंस, है ना, दिस चार्ज क्यू वन, दिस चार्ज क्यू टू. नाउ यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये अपने क्लास 11th में पढ़ा है. अगर इसका आर वन है डिस्प्लेसमेंट है, इसका आर वन, तो इन दोनों का डिस्टेंस होता था आर वन माइनस आर टू, है ना, यहां से यहां तक आप बनाएंगे तो ये होगा आर टू माइनस आर वन,
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको आपको इतनी चीज़ तो आपको आई होप सो क्लास 11th की याद ही होगी। हाँ अरे वो भी आएगा यार, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट विल आल्सो कम, है ना? ठीक है, R2 माइनस R1 दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, Q1 से Q2 का डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम Q2 से Q1 के डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो हुआ R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा, उस डायरेक्शन उस साइड की हो जाएगी, नेगेटिव साइन मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, F12 मतलब F(1) ड्यू टू 2, ये हमने क्या माना है Q1 Q2, तो 1 पे 2 के कारण F(1) ड्यू टू Q दैट विल बी इक्वल टू, इस साइड का होगा ना, देखो इनका फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 दैट इज Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज फ्रॉम, देखो ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर आपको ये चाहिए तो आप डिस्टेंस क्या लेंगे, R2 माइनस R1 ही तो लोगे, सही बात है कि नहीं, तो R2 माइनस R1 इज द डिस्टेंस, R2 माइनस R1 है ना, क्या यहां तक सही है, यहां तक इज एवरीथिंग क्लियर? पर क्या आपने इस डिस्प्लेसमेंट या इस फोर्स की आपने क्या वो, अच्छा एक मिनट क्या लिख रहा है, ऊपर करो इसको है? हाँ नहीं अभी उसको बोल दो वो बना देगा, कहाँ थे वो ऐसे, हाँ तो के Q1 Q2 by R2 minus R1 का स्क्वायर है ना, सही है। अब देखो हमने R2 minus R1 लिया है ना, क्योंकि हमने F12 लिखा है, अगर हम F21 की बात करेंगे तो वो भी कितना होगा, सेम होगा बस नेगेटिव साइन के साथ, K Q1 Q2 by R2 minus R1 की जगह R1 minus R2 लिख दो, नेगेटिव साइन आपने खुद ही ले लिया, क्या ये सही है, पता इन दोनों की वैल्यू तो सेम ही होगी ना यार, तो ये सही कैसे है, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब हमने डायरेक्शन तो ली ही नहीं, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मैंने ए वेक्टर लिखना तो दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर का कैप, तो ए कैप अगर आपने लिखना तो कैसे लिखते हो, ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड, ए वेक्टर का मॉड। तो अगर हमें डायरेक्शन लेनी है इस फोर्स की, ठीक है, Q1 और Q2 का फोर्स है ना, कैसा है, मान लो ऐसा है, आपको ये डायरेक्शन लेनी है, If you want to take this direction, so how will we be taking it? कैसे लोगे ये direction? A vector, यानी इस, देखो, ये जो force है, ये इसके opposite वाली direction में है। मतलब अगर आपने इसकी direction निकाल ली और उसको opposite कर दिया, तो आपको इस force की direction पता चल जाएगी, है ना? F(1/2) है ना? Because दोनों का वो same है ना, दोनों का nature, तो opposite में करेगा उसको force। है ना? तो अगर आपने A vector लिया, यानी कि R2 minus R1 vector ले लिया, upon उन दोनों का mod, अच्छा इसका मॉड क्या होगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, है ना, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये होगा इसका मॉड, है ना, एक मिनट, हाँ तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दिस विल बी इट्स डायरेक्शन, सही बात है। इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट में है ना, नहीं अंडर रूट में, इसकी पावर लगा लो ना 3 1/2, अंडर रूट का मतलब ये होता है ना, तो पावर 1/2 आपने लगा ली, तो ये क्या है, डायरेक्शन है, क्या है ये, दिस इज R2 माइनस R1 की डायरेक्शन, बट आपको उल्टा चाहिए, आपको इससे इस डायरेक्शन से वो वाली डायरेक्शन चाहिए, तो इसको आप नेगेटिव कर दो बस, R1 माइनस R2 अपॉन दिस विल बी द डायरेक्शन, तो यहां पे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसके डायरेक्शन, बिकॉज ए कैप मल्टीप्लाई करोगे ना, फोर्स का कैप मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे, तो फोर्स का कैप क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R2 square minus R1 square की होल पावर 1/2, या यहाँ तक सही, एक मिनट इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, ऐसे ऐसे लग दो, क्या यहाँ तक आपको सही लग रहा है, क्या यहाँ तक सही है, क्या कुछ गड़बड़ हुई है, क्या इज देयर एनीथिंग मिस्टेक, क्या कुछ मिस्टेक है, बोलो
सही नहीं है क्या? हाँ बोलो यार। हाँ तो यहाँ तक सही तो है सारा। अगर हम इसको और अच्छे से लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? के क्यू वन क्यू टू बाय आर टू माइनस आर वन का होल स्केयर है ना, इसके मॉड का स्केयर है। अब आर टू माइनस आर वन का अगर आप मॉड लेंगे तो क्या आता है? आर टू स्केयर माइनस आर वन स्केयर है ना। तो आर टू स्केयर माइनस आर वन स्केयर का अंडर रूट, मतलब आर टू स्केयर माइनस आर वन स्केयर का पावर हाफ, वो भी लिख सकते हो। या हम इसको पूरे को हम क्या लिख देते हैं? आर टू माइनस आर वन का मॉड है ना, इंटू आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर अपॉन आर वन माइनस आर टू का मॉड है ना। अब देखो इसको आप और क्या लिख सकते हो, इसका बेस सेम है। हाँ पावर अलग अलग है, बेसिस सेम, पावर पावर इज डिफरेंट। तो के क्यू वन क्यू टू आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर अपॉन आर टू माइनस आर वन इंटू आर टू माइनस आर वन, यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे सिंगल पावर है, तो आर टू माइनस आर वन की होल पावर में क्या लगा दोगे? मॉड की होल पावर में क्या लगा दोगे? थ्री लगा दोगे। दिस विल बी दी फाइनल आंसर, दिस विल बी दी फाइनल रिजल्ट। इसको आप जल्दी से नोट करो, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, सही बात है कि नहीं? अब देखो सब कुछ हमने दायरे में रह के दिया है ना। आर टू माइनस आर वन की डायरेक्शन निकाल ली, अब उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो हमने उसको ऑपोजिट करने के लिए आर वन माइनस आर टू था ना, यहाँ पे आर टू माइनस आर वन था ना, तो यहाँ पे हमने आर वन माइनस आर टू लिख लिया, बिकॉज नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाती है। तो ये सारा आप जल्दी से नोट कर लो। हाँ इसको मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा बट इन दी नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लो। ये आपकी है वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ, ये क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ। बस अगर आपको एफ वन टू, ये क्या है? एफ वन टू है ना, दिस इज एफ वन टू, एफ वन टू अगर ये है तो दैट विल बी माइनस एफ टू, ये आपको पता है बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसको जल्दी से नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम अगले टॉपिक पे यानी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर जाएंगे एंड फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे। हाँ इसके डेरिवेशन मैं दोबारा करवा दूंगा बट वेट फॉर इट, हम इसी लेक्चर में दोबारा कर लेंगे अगर टाइम बचेगा तो है ना। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पहले आपको बता ले दो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है, पहले इसको जल्दी से नोट कर लो। नहीं करना नोट कोई बात नहीं, जब मैं अगली बार करवाऊंगा ना अभी तब आप नोट कर लेना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद मैं आपको ये दोबारा करवा दूंगा बिकॉज आज क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे है ना, तो हम यही दोबारा कर लेंगे। है ना सही है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि एक, हाँ, आपको जो एक कोई चार्ज है उसके ऊपर सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है, यही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जैसे अगर ये एक चार्ज है लेट से वन है ना, ये इसके ऊपर तीन चार्जेस हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये वाला चार्ज लगा रहा है ऐसे फोर्स, ये वाला लगा रहा है इसको इस साइड का फोर्स, और ये लगा रहा है इस पे इस साइड का फोर्स है ना। This is F on 1 due to 5 है ना, F on 1 due to 3, F on 4 due to 1 due to 4 है ना। So F on 1 will be equal to the vector sum of all forces, ये आपके पास है superposition principle, nothing else। इसको जल्दी से note कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो है ना, जल्दी से इसको नोट करो है ना। अच्छा वेक्टर सम के कुछ रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखो आपको पता है सम का, मान लो दोनों फोर्सेस आपके बराबर हैं कहीं है ना, या मान लो दो वेक्टर्स आपके बराबर हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है ना, तो आपको पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बट अगर दोनों बराबर हैं दैट विल बी टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, इसका अंडर रूट है ना। नाउ इसको अगर हम और सिंपलीफाई करें, टू ए स्क्वायर आ गया कॉमन, वन प्लस कॉस थीटा इन अंडर रूट है ना। और सेटिस्फाई और हमको करें तो अंडर रूट टू ए टाइम्स रूट वन प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब अगर मान लो व्हाट इफ, हाँ इफ थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री है तो क्या आएगा? व्हाट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री? एक मिनट वन प्लस कॉस थीटा, हाँ अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है। सी ऐसा है ना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? थीटा अगर 90 डाल रहे हैं, 0 1 0 है ना, तो ये हो गया। अगर मान लो थीटा है 60 डिग्री, 60 डिग्री पे क्या करोगे? 60 डिग्री पे क्या करोगे? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 0 1/2 ना, हाफ आ जाएगा यहाँ पे, रूट टू ए इंटू वन प्लस। अरे यार इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके कर लेते हैं ना, ऐसे क्या वो कर रहे हैं ना, एक मिनट थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में करो, है ना, अंडर रूट में ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस टू ए स्केयर कॉस थीटा, है ना, ये है आपके पास, सही बात है, इज इट करेक्ट? तो अगर आप इसको कॉमन ले लो, यू टेक इट टू बी कॉमन, ये चलो कॉमन लेने की क्या ही जरूरत है, ऐसे इसको कर लो सॉल्व, है ना, ऐसे इसको सॉल्व कर लो। थीटा अगर 90 डिग्री डाल रहे हो तो क्या आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में, है ना, ए स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 2a² बिकॉज 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ये 2a² वाला टर्म हट जाएगा, इसका रूट यानी कि 2a² का रूट यानी कि √2a. थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री डाल रहे हो तो अंडर रूट में a² प्लस a² प्लस 2a² cos 60 इज इक्वल टू 1/2, है ना, यानी कि यहां पे सिर्फ a² बचेगा, 3a² दैट विल बी √3 टाइम्स a. इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री यू विल बी जस्ट कैलकुलेटिंग इट, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? cos 120 कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू 120 ना, दैट मींस cos 60 प्लस 60 दैट इज cos 60 cos 60 cos 60 माइनस sin 60 cos a प्लस b दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos 60 cos 60 cos 2 थीटा लगा लो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos square थीटा माइनस 1 cos square थीटा माइनस sin square थीटा, है ना, तो cos square 60 माइनस sin square 60, है ना, तो 0 1 by 2 1 by root 2 1/4 minus √3/4 ये आ जाएगा, 4 minus 3 1/4 आएगा, it will be 1/4 1/4 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 2a² plus 2a² into 1/4 तो यहाँ पे आ गया a² / 2, है ना, इन दोनों को ऐड करोगे या ऐसा करो, if you do this a² / 2 and 2a² plus a² / 2, पहले तो a² कॉमन ले लो, है ना, फिर 2 प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस 1 बाय 2, इट इज नॉट, नहीं एक मिनट गलत है, वी हैव डन सम मिस्टेक, शुड बी 1, है ना, cos 60 है ना, तो cos 120 निकाल रहे हैं ना हम, तो cos 120 अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? अंडर रूट में a² प्लस a² प्लस 2a² इट विल बी देयर बिकॉज़ cos थीटा cos 120 इज इक्वल टू 1 दैट मींस cos 120 अरे यार इट्स वेरी cos 120 दैट इज cos 60 प्लस 60 दैट इज cos a + b cos a cos b - sin a sin b
cos a cos b, that is cos 0 1 by 2, 1 by 2 into 1 by 2, minus sin a sin b. Sin is 3 root 3 by 2 and root 3 by 2. Root 3 by 2, huh? It is 3 by 4 and it will be 1 by 4 minus 3 by 4, 4 minus 3, that will be 1 by 4. 1 by 4 will be there. It is 1 by 4, right? ये क्या कर रहे हैं यार? हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा, है ना? तो 1/4 अगर हम पुट करके देखें तो 1/4 अगर हमने पुट किया 2 आ जाएगा, तो a square 2a square plus a square by 2 आ जाएगा. If I do it multiply, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे ये क्या आएगा, 4a square 5a square by 2. यार ये 4 रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? There is some mistake with us, है ना? या तो हम cos 120 निकाल नहीं पा रहे हैं अच्छे से. हैं, कितना होता है यार cos 120? एक तो एक टेलीग्राम से मैसेजेस, आज तो बड़ी बेइज्जती होगी यार. मैं तो मैथ्स भी पढ़ाता हूँ यार. हैं, देखो भाई, आता मेरे को सब है, मतलब अभी तो मैं मतलब पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ. ये तुम बता दो यार, व्हाट इज cos 120? हाँ, cos 120 डिग्री. टेलीग्राम में एक एक और आए तो मैं बता देंगे. माइनस 1/2 दिखा रहे हैं. दे आर शोइंग माइनस 1/2. हाँ, इफ इट इज माइनस 1/2, दैट इज कॉस 120 ना, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो. साइंस के कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने साइंस के थीटा कॉस स्क्वायर 60, दैट इज कॉस स्क्वायर 60 विल बी 0 1 by 2, 1 by 2 का whole square 1 by 4 minus sin square 60, that will be root 3 by 2 का square is 3 by 4. तो यही तो हम निकाल रहे हैं कब से. 4 minus 3 by 4, that will be 1 by 4. इनका minus 1 by 2 कैसे आ रहा है? अरे यार, एक मिनट रुको यार, मैं कुछ फिर गड़बड़ कर रहा हूँ यार. अब मेरे को तब तक ये गड़बड़, आप बताओ यार क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हैं? टेल मी द मिस्टेक. हाँ, एक लिख रहा है प्लस मिस्टेक. क्या प्लस मिस्टेक भाई? यार टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास का, जल्दी बोलो. इनको तो मैं अभी ब्लॉक करता हूँ, एक मिनट. पता नहीं किस किस के लेक्चर बेचते हैं ये. है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ही तो है फॉर्मूला. तो कॉस 120, तो कॉस 120 वही होता है यार. माइनस हाफ है यहाँ पे ऑनलाइन, तो मेरा 1/4 कैसे आ रहा है यार? आप बताओ क्या गलती है यार आपकी, फिर लाइव क्लास का फायदा क्या है? ऐसे फिर मैं रिकॉर्डेड ले लूँ, कुछ भी गलत करके चला जाऊँगा. है, चलो मैं देखता हूँ मिस्टेक क्या हो रही है, पर फिलहाल के लिए आप याद रख लो फिर, है ना? हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे. It was cos 120 ना, so you can write it as cos 90 plus theta, है ना? 90 plus 120 will be 30 degree, है ना? That will be sin 30, but it is in second quadrant, तो minus sin आ जाएगा, because वहाँ पे cos positive नहीं होता, तो minus sin 3 will be minus half. हाँ, तो सही आ रहा है minus half. अब तो सही आ रहा है minus half. If we put minus half, तो a square यहाँ पे minus half put कर दो ना, a square plus a square minus a square, तो a ही आ जाएगा, है ना? It will be 2a square माइनस हाफ पुट करोगे ना, माइनस हाफ पुट करके तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी ए ओनली, है ना? इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट विल बी थीटा, अगर 180 है, देखो थीटा इज 180, तो आपका क्या आ जाएगा वो देखो, यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू 180, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू -1, है ना? दैट मींस a square plus a square minus 2a square, that will be equal to 0, है ना? तो ये आपके कुछ angles हैं जो आपको पता होने चाहिए, है ना? बस ये यहाँ तक ही आप करो फिलहाल, इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं. अगले टॉपिक तो नहीं करवाऊंगा मैं, है ना? इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको वो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्या वेक्टर लॉ ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ, है ना? जल्दी से एक बार इसको नोट करो पहले.
सही है। चलो अब देखो, हाँ इट इज माय मिस्टेक, कुछ गलत कर दिया होगा मैंने, गलत है ना, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। हाँ अब देखो, सुपर वो हमने जो पढ़ा वेक्टर लॉ, उसका वेक्टर लॉ को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो हमने क्या कहा कि ये आपका एक इस तरह से है, जहां पे ये है लेट्स से क्यू वन, ये है आपके पास क्यू टू, है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट है आर वन, इसका डिस्प्लेसमेंट है आर टू, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने एरो देखो कैसा बनाया है, अब आपको थोड़ा सा और बेटर समझ आ जाएगा। अब एरो मैंने बताया ऐसा है ना, हेड माइनस टेल करते हैं, हेड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर वन माइनस टेल आर टू, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये होगा, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी आर वन माइनस आर टू वेक्टर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उसके ऊपर फोर्स, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, उसको हम लिखेंगे एफ वन टू ऑन वन ड्यू टू टू, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज दिस, इसका स्क्वायर, दैट विल बी आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, है ना, सही है। अब देखो आपने तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला ना, इफ यू राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर ए कैप, सही है। अगर मैंने आपको ये बताया है आपको ए कैप चाहिए, मतलब डायरेक्शन चाहिए, तो वो होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो फोर्स वेक्टर क्या आपको पता है, फोर्स का वेक्टर, फोर्स का वेक्टर आपको पता है क्या, नहीं, बिकॉज आपको डायरेक्शन ही नहीं पता। डायरेक्शन निकालने के लिए फोर्स का वेक्टर ये है, फोर्स का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्यों वन के ऊपर, है ना, बिकॉज हम फोर्स ऑन वन निकाल रहे हैं, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसके डायरेक्शन बिल्कुल आर वन माइनस आर टू डायरेक्शन में है, तो आर वन माइनस आर टू की डायरेक्शन निकाल लो, है ना। फॉर आर वन माइनस आर टू की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, आर वन माइनस आर टू का मैग्नीट्यूड, ये है ना, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। अब ये डायरेक्शन किसकी है, चाहे ये डायरेक्शन r1 minus r2 की है, पर फिर भी ये डायरेक्शन है of force on q1, because r1 minus r2 की डायरेक्शन हमने कौन सी लिया, जो q1 के फोर्स की है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इस डायरेक्शन के साथ, r1 वेक्टर minus r2 वेक्टर upon r1 minus r2, है ना, come on, इसको अगर आप देखें तो kq1 q2 into r1 वेक्टर minus r2 वेक्टर अपॉन आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर। अब देखो यहाँ पे पावर है टू, यहाँ पे है कोई पावर नहीं, मतलब वन, तो यहाँ पे टोटल पावर थ्री हो जाती है, जो कि आपने पढ़ा है ए की पावर वन है, मतलब ए की पावर एन इंटू ए की पावर एम, दैट इज इक्वल टू, यही वाला रूल होता है ना, हाँ, ए की पावर एम प्लस एन, ये आपके पास है। अब देखो जल्दी से इसको नोट करो, ताकि फिर हम इस लेक्चर को एंड करें। नोटेड नोटेड, हाँ हाँ। अब आज की जो आपके नोट्स हैं वो आपको मिलने में लगभग 24 घंटे लग सकते हैं, और टीपीपी नंबर वन आज आपको सॉल्व कर लेनी है, ट्राई करनी है, ट्राई, यू विल जस्ट ट्राई, बिकॉज अगले लेक्चर में आप उसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे, है ना। ट्राई टीपीपी नंबर वन, होमवर्क लिख लो, होमवर्क, ट्राई टीपीपी नंबर वन, ट्राई करनी है, नेक्स्ट लेक्चर तक आपकी प्रॉपर हो जाएगी डीपीपी। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, सीताराम, राम राम, राधे श्याम।